मैं चाइनीज़ डिपार्टमेंट में इसीलिए मैंने एडमिशन लिया क्योंकि जैसे कि बलूचिस्तान की रिवायत है, डिफरेंट कल्चर हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसी तरह एक नया कल्चर सीखने की मेरे अंदर बहुत शौक़ था और जो कि मुझे आगे जाके सीपैक में काम भी आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। और मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरे अपने फील्ड में भी मुझे बहुत वर्कआउट करेगा दूसरी लैंग्वेज सीखना। चाइनीज़ कोर्स यहाँ शुरू हुआ है जो अभी फ़िलहाल 6 हफ्तों का है, इसमें मुझे एडमिशन का मौका मिला। तो इस ये सारा वाला सीपेक से आ रहा है, सीपेक गवादर उसके मौके हमें फराम कर रहा है और ये एक नए लैंग्वेज है। मतलब जो पठान होते हैं, जो पश्तून होते हैं, वो उर्दू सेकेंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश देयर थर्ड लैंग्वेज, और अभी ये हमें चौथी लैंग्वेज सीखने का मौका मिल रहा है। तो इंशाल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे कोऑपरेटिव टीचर्स हैं। बाद में भी इंशाल्लाह ये कोर्स एक्सटेंड होगा और सेमेस्टर वाइज होगा। जब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा था तो मैं बहुत कंफ्यूज था, मैंने कहा पता नहीं है, फर्स्ट टाइम चाइनीज़ लैंग्वेज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट पता नहीं है नहीं है, लेकिन वीसी साहब के आइडिया के देखते हुए हमने ये सेंटर स्टार्ट किया और हमने इनिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे साथ फर्स्ट फेज में 100 स्टूडेंट इनरोल हुए हैं। स्टूडेंट सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं, हमारे पास इस टाइम SBK के स्टूडेंट इनरोल हुए हैं, BUTM के स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आए हुए पढ़ रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे पास कैंडिडेट आए हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं और आउटसाइडर बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। वो बिजनेसमैन तो इतना क्राउड कर रहा है, हमारे पास आ रहा है और क्या रहा है, क्योंकि हमारे बिजनेस चाइना में है और हमें जब हम चाइना में बिजनेस करने जाते हैं हमें बहुत से प्रॉब्लम फेस होते हैं, स्पेशल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपनी बात वहाँ कन्वे नहीं कर सकते हैं, ना वो हमें उनकी बात हमें समझ आती है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड है हमारे पास, लेकिन बिजनेसमैन को फर्स्ट फेज में हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर से हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बिजनेसमैन के लिए एक सेपरेट सेशन रखेंगे क्योंकि बिजनेसमैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है चाइना के लोगों के साथ। यहाँ जो नुमाइश शुरू हुआ है पेंटिंग के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, यहाँ बहुत मालूमात हुआ है, बहुत मुझे फ़ायदा है। वो आगे भी उम्मीद है कि हम इस मेहनत से और शौक़ से आगे भी ले जाएगा इसको, सही है ना। यहाँ जो चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर जो पढ़ाई शुरू हुआ है, इस पढ़ाई के हवाले से हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला हुआ है। पहले इस चीज़ों का हमें मालूमात नहीं था, न इसका लिखाई का न पढ़ाई का, अभी तो काफ़ी हमें मालूम हो गया कि चाइनीज़ लिखाई किस तरह होता है, इसका पढ़ाई किस तरह होता है, तो इसमें हमारा दिलचस्पी है।